अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मकाम पर जो हज और उमरा के लिए आने वाले जो विजिटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है इब्राहिम खलील रोड मक्का। ये जगह ना सिर्फ हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा और मशहूर है, बल्कि यहाँ पर जो गिफ्ट सवेनियर्स वगैरह जो है ना ख़रीदने के लिए भी बहुत बेहतरीन जगह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शान हैदर और मैं यहाँ पर आपको इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप हज या उमरा पर आए हैं तो ये एक राइड सर्विस कंपनी है जो आपकी कंपेनियन बन सकती है, और अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इब्राहिम खलील रोड मक्का के सेंट्रल एरियाज में से एक है और ये रोड मस्जिद अल हराम यानी ग्रैंड मॉस्क से थोड़ी ही डिस्टेंस पर है। आप इजीली इस जगह को मक्का के किसी भी पॉइंट से टैक्सी के थ्रू या लोकल ट्रांसपोर्ट से मतलब एक्सेस कर सकते हैं। ये रोड विजिटर्स जो है हुजाज कराम के लिए मेजर शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जहां पर हर तरह के जो है ना गिफ्ट्स, तस्बीह और दूसरी चीज़ें आप आसानी ले सकते हैं। यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी जो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह के लिए लेकर जाना चाहते हैं। तस्बीह, प्रेयर मैट, इतर यानी खुशबू, इस्लामिक बुक्स और ख़ास तौर पर मक्का और मदीना के जो ख़ास अजवा खजूर है। ये बेसिकली मदीना की अजवा मशहूर है, और अजवा के बारे में एक हदीस है कि जिसने सुबह 7 दाने अजवा खजूर के खाए उस पर सारा दिन कोई जहर असर नहीं करेगा। तो सब कुछ यहाँ बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। ये मार्केट सिर्फ गिफ्ट्स के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको कुछ पर्सनल शॉपिंग भी करनी है तो ये बहुत सारे क्लोथिंग स्टोर्स, ज्वेलरीज शॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी यहाँ पर हैं। जब आप रीजनेबल प्राइस और शॉपिंग जहाँ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको बड़ी इजीली मिल जाते हैं। अगर हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात करें तो इब्राहिम अल खलील रोड पर कुछ अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ आप अपनी जो देसी खाने है, जो आपका टेस्ट है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। पाकिस्तानी होटल्स जैसा कि पाकिस्तान लाहौरी जैसा रेस्टोरेंट्स यहाँ काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं। मतलब इसकी स्पेसिफिक नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, एक सिर्फ बता रहा हूँ आपको। तो जहाँ आपको पाकिस्तानी बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, कबाब ये सब मिल जाता है, ये रेस्टोरेंट रीज़नेबल प्राइस पर फ्रेश मतलब अच्छा खाना आपको सर्व करते हैं। पाकिस्तानी स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ, देसी खाने के अगर आपको अरेबिक खाना है, मंदी या इस तरह का कुछ और टेस्ट करना है, मगजूत, मंदी, कुजीन या जो ऊँट का गोश्त होता है, तो उसके लिए आप जो है ना बहुत सारे दूसरे अरेबिक फेमस रेस्टोरेंट हैं, रोमानिश और जो है ना खलीज, इस तरह से वहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो जो है ना ये जो विजिटर्स हैं उनके आने वाले मतलब एक आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, घर के खाने की याद जो आपको आ रही होती है पाकिस्तान की, तो वो आप जो है ना यहाँ से वो कर सकते हैं। तो ये जो है अफोर्डेबल शॉप्स भी हैं जहाँ आप बहुत सी चीज़ें आपको डिस्काउंट पर भी मिल जाती हैं, यानी एक रियाल हर चीज़, हर आइटम 2 रियाल या 5 रियाल। अगर आप बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हैं, अगर जो दूसरी दुकानें हैं तो वहाँ की लोकल मार्केट्स उनको पता है, यहाँ पे आने वाले बंदे को ठीक से चीज़ों का पता नहीं है कि क्या प्राइस होनी चाहिए, वैल्यू रीजनेबल, तो आप बार्गेनिंग करके बहुत अच्छी डील्स भी ले सकते हैं। तो इब्राहिम अल खलील रोड की जो मार्केट्स हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो दुकानदार हैं वो रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ें मतलब सेल करने के लिए एग्री हो जाती हैं। और हज और उमरा पे आने वाले विजिटर्स जो है ना इब्राहिम अल खलील रोड एक दफ़ा आप ज़रूर विजिट करें। ये एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आपके शॉपिंग के लिए, और ये शॉपिंग और डाइनिंग का जो है ना आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है ना, और इसके अलावा आपने जो गिफ्ट्स और सवेनियर्स लेके जाने हैं वहाँ अपने पीछे अपने घर के लिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आज की ये हमारी वीडियो थी कुछ इब्राहिम अल खलील मक्का अल मुकर्रमा के बारे में। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आपसे फिर मुलाकात हो किसी और वीडियो में।